हेलो, वेलकम टू आस्कार गुरु। मैं हूँ आपका होस्ट सिद्धार्थ और आज हम आए हैं मारुति सुजुकी के स्टॉल पर ऑटो एक्सपो 2020 में। नई मारुति सुजुकी इग्निस BS6 और इसका फेसलिफ्ट को रिव्यू करने बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट को देखें तो यहाँ पे आपको नए हेडलैम्प्स विद डे टाइम रनिंग लैम्प्स मिलते हैं, DRL मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स मिल रहे हैं। बम्पर इन्होंने थोड़ा SUV स्टाइल में करा है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पिटर दिया गया है, एक अलग अट्रैक्टिव फिनिश दी गई है। ग्रिल की बात करें तो ग्रिल एस्प्रेसो इंस्पायर्ड इन्होंने इस बार ग्रिल दी है, जो दिखने में मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ सुजुकी की आपको बैजिंग मिल जाती है। अगर साइड की बात करें, साइड प्रोफाइल में वही आपको पुरानी इग्निस के जैसे ही डिज़ाइन मिल रहा है। अगर इसके टायर्स की बात करें तो आपको टायर्स मिल रहे हैं 175/65 ब्लॉक के, 15 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं आपको, पेंटेड रिम्स के साथ ब्लैक रिम्स आपको दी गई हैं यहाँ पर। ORV में आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ऊपर आपको रूफ रेल्स का एक डिज़ाइन मिल रहा है, एक्चुअल रूफ रेल्स नहीं है ये, जैसे आपने क्विड में भी देखा होगा, ये सेम उसी फिलॉसफी पर बेस्ड है। यहाँ शार्क गिल्स टाइप्स डिज़ाइन दिया गया है, जो कि पुरानी इग्निस से भी था। चलते हैं इसके रेयर की तरफ आप देखेंगे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, सेम जैसे पहली इग्निस थी वही है। यहाँ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स आपको मिल रहे हैं। पीछे यहाँ पर एक डिफ्यूज़र टाइप इन्होंने लुक दिया गया है, जैसे SUV की स्किड प्लेट होती है वैसा आपको लुक मिला है यहाँ पर। रेयर वाइपर मिल जाता है, थर्ड ब्रेक लाइट यहाँ पर है, ऊपर एक स्पॉइलर टाइप आपको मिल जाता है, ऊपर रेगुलर एंटीना है, फिश शार्क फिन एंटीना नहीं दिया गया है। ओवरऑल दिखने में गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फ्रंट फैसे में जैसे आपने देखा, इसकी ग्रिल को इम्प्रूव करा है बेसिकली, और DRLs दिए गए हैं। बात करते हैं इंटीरियर की और देखते हैं वहाँ पे कुछ चेंजेस अगर मारुति ने किए हैं या नहीं। अगर एक इसके बूट स्पेस की बात करें तो आपको 260 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, एक पार्सल ट्रे मिल जाती है जो अभी कनेक्टेड नहीं है। अंदर स्पेयर व्हील आपको मिलता है, फुल साइज स्पेयर व्हील मिल रहा है आपको 175/65 R15 स्पेक का, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्पेस ठीक है, आप इसमें दो फुल साइज लगेज सूटकेसेस डाल सकते हैं। सीट्स आपकी फोल्डेबल हैं, बूट स्पेस सही है, मेरे को अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की बात करें तो सीट्स आपको रेगुलर फैब्रिक की मिल रही हैं, ठीक है, ज़्यादा मेरे ख्याल से सीट्स कंफर्टेबल है, ज़्यादा इन्होंने कुछ वो नहीं करा है। यहाँ पर साइड में सपोर्ट के लिए दिया गया है ज़रूर, बट जो ज़्यादा हैवी लोग हैं उनके लिए शायद थोड़ा ये कंफर्टेबल ना हो। अंडर थाई सपोर्ट ठीक है। पेडल्स की बात करें तो लाइट पेडल्स हैं, ज़्यादा आपको इशू नहीं आएगा, ट्रैफिक वैफिक में आसान रहेगा। गेयरबॉक्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है, इसमें एक AMT वेरिएंट भी आएगा। यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन दिए गए हैं, ये मेरे ख्याल से 8-bit डिस्प्ले है जिसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स दिख जाएंगी। यहाँ आपको बटन्स मिल जाते हैं, 12W का आपको पावर पॉइंट मिल रहा है, USB ऑक्स के लिए अलग से स्लॉट दिया गया है जहाँ आप लगा सकते हैं, दो कप होल्डर मिले हैं। ये इसका की फॉब है जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉक अनलॉक के बटन्स दिए गए हैं और यहाँ पे की निकालने के ऑप्शन। इधर आपको हज़ार लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको एक इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल रहा है जो कि दिखने में मेरे को नॉर्मल सा ही लग रहा है, ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करेगा। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग अच्छा, बड़ा स्टेयरिंग है, कोई पैडिंग नहीं दी गई है इस पर, लेदर कोटिंग या कुछ भी। यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मोड चेंज करने के लिए कॉल रिसीव और वॉइस कंट्रोल के ऑप्शंस मिलते हैं। अंदर ड्राइवर क्लस्टर में देखें तो आपको एक स्पीडोमीटर मिल रहा है, एनालॉग स्पीडोमीटर, और साइड में रेफ काउंटर भी एनालॉग है। यहाँ एक नॉर्मल 8-bit डिस्प्ले है जिसमें आपको आपकी MID डिस्प्ले करेगी। इधर आपको ट्रिप सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइट्स के लिए आपको यहाँ एक टॉगल दिया गया छोटा सा। अगर डोर की बात करें, डोर पर आपको पावर विंडोज़ मिलती हैं, ड्राइवर साइड विंडो ऑटोमेटिक है, विंडो लॉक्स और कार अनलॉक बटन्स मिल रहे हैं, ORVM कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर इसके DRVM की बात करें तो मैनुअल डे एंड नाइट वर्जन दिया गया है। ड्राइवर साइड में आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, लेकिन पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, पर कोई लाइट नहीं दी गई है, ऊपर बेसिक सी एक येलो लाइट दी गई है।
एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर थोड़ी नई डिज़ाइन के, यहाँ पर ये दोनों साइड में डिस्प्ले के, जो मुझे थोड़े छोटे लगे बट ठीक है, डिज़ाइन चॉइस है। डिस्प्ले थोड़ा मेरे को अटपटा सा लगा, जो इस तरीके से ये पॉप आउट सा इन्होंने लगाया है इसको। डैशबोर्ड में अगर आपको स्पेस देखें, स्टोरेज स्पेस दी गई है, स्पेस डिसेंट है, ज़्यादा नहीं है। हालांकि ये कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, कूल ग्लव बॉक्स नहीं है। यहाँ पर आपको इस वाले एसी जो साइड एसी वेंट्स हैं उन पे एक फेक कार्बन फाइबर का इफेक्ट दिया गया है। रेगुलर हैंड ब्रेक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दी है गाड़ी के इंटीरियर डिज़ाइन में, रिलेटिवली सिंपल रखा गया है इसको। चलिए देखते हैं बैक बैक सीट इसकी कैसी है। रेयर सीट की बात करें तो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, बीच वाली पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। सीट्स में अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम लग रहा है मेरे को, लेकिन लेग रूम अच्छा दिया है। सीट अभी मेरी हाइट के हिसाब से सेट की गई है, मेरी हाइट 5'8" है, उस हिसाब से लेग रूम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है रेयर सीट में बताने के लिए, रिलेटिवली काफ़ी सिंपल रखा गया है गाड़ी को, जो कि एक अच्छी बात है। बट अगर यहाँ पर एक मैगजीन होल्डर और मिल जाता तो और अच्छा लगता। उस साइड में आपको खैर एक दिया गया है। अगर इग्निस के इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि BS6 कंप्लाइंट है, और 82.9 या ऑलमोस्ट 83 PS की पावर ये जनरेट कर रहा है। पावर वाइज ठीक है, इंजन ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस सेगमेंट की गाड़ी से। अगर इसकी टॉर्क फिगर्स की बात करें तो टॉर्क फिगर्स इसमें आपको मिलते हैं 130 Nm टॉर्क मिल जाती है 4200 RPM पर, जो मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। जो इसकी अचीवेबिलिटी रेंज है, अगर ये 3000 में होती तो अच्छा रहता। गाड़ी मेरे को दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव कार है, अंदर से रिलेटिवली सिंपल इंटीरियर्स दिए गए हैं। जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अराउंड 5 लाख और सो में, इट्स अ डिसेंट चॉइस, कोई मुझे बुराई लग नहीं रही है। सिंपल इंटीरियर्स हैं, आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल रहा है जो काफ़ी कंप्लाइंट है, इंजन के पावर फिगर्स भी अच्छे हैं। ओवरऑल आपको लो बजट में अगर एक अट्रैक्टिव और फंकी कार चाहिए, आप अर्बन लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कलर ऑप्शंस भी आपको बहुत सारे मिलते हैं, इट्स अ गुड चॉइस ऑफ कार। मैं हूँ आपका वो सिद्धार्थ, आप देख रहे थे आजकल गुरु। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप बताइए आप अपने ओपिनियन इस गाड़ी के बारे में नीचे कॉमेंट सेक्शन में।